So, ये बुक्स हमने बुक आउटलेट से मंगाई हैं और ऑनलाइन मंगवाई हैं जो आज हमें मिली हैं. और एवरीथिंग यू नीड टू इज साइंस, हिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश. तो ये बहुत ही कोई हेल्पफुल किस्म की किताबें हैं सारी. और ये मैंने अपने लिए मंगवाई हैं ताकि जब मैं बच्चों को पढ़ाने बैठूँ तो मुझे बार बार गूगल सर्च करना ना पड़े. मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था जब मैं कोई चीज़ पर स्टक हो जाती थी और मुझे समझ नहीं आता था, तो मैं फिर मुझे फ़ौरन फ़ोन हाथ में लेना पड़ता था, तो जो मुझे उससे बहुत उलझन होती थी. ये किताबें इतनी अच्छी हैं कि आप अपने फ्री टाइम में बैठ के इसको अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं, इनसे आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह निकाल सकते हैं. और बड़ी ही अच्छी एक्सप्लेनेशन है, ईजी टू अंडरस्टैंड है. और सबसे इसकी मज़े की बात यह है कि इट्स वेरी कलरफुल. खुद पढ़ने का मुझे बहुत शौक था आगे. बीएससी के बाद मुझे शौक था कि मैं मास्टर्स करूँ, तो लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल सका, ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ हो गई. लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, बुक्स तो हैं हमारे पास, डिग्री नहीं तो ऐसे ही पढ़ लें क्यों ना. क्या ज़बरदस्त स्टाइल में नॉलेज बढ़ेगी, ऑसम. और ठंडी इतनी हो रही क्योंकि बाहर था ये. ये जो है हमारी कंप्यूटर साइंस की बुक है और ये मेरे बस से बिल्कुल बाहर है. मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद भी इसको पढ़ सकती हूँ या मैं इसको पढ़ा सकती हूँ. ये बुक मेरे हस्बैंड पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह, क्योंकि वो इसमें माहिर हैं. ही इज़ एन इंजीनियर और एन वेरी स्किल्ड पर्सन इन व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी. ही इज़ सच अ ग्रेट पर्सन, माशाल्लाह. अपडेटेड रहते हैं हर चीज़ से. तो ये बुक तो बिल्कुल ही मेरे बस की नहीं, और इवन मैं इसके टॉपिक्स पढ़ूँ तो भी मुझे समझ नहीं आने वाले. तो ये बुक तो गई बाबा के लिए जी. अब ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बुक है और इसमें हम देख सकते हैं कि अपनी मर्जी के आप टॉपिक्स निकालें बच्चों के लिए और यूनिट्स बनाएं, प्रोजेक्ट्स करें इन बुक्स में से. टॉपिक्स हैं, कंप्लीट टॉपिक्स हैं, मिडिल स्कूल तक के टॉपिक्स हैं. ये बुक आपको प्राइमरी से जो आप स्टार्ट करेंगे या आपको मिडिल स्कूल तक छोटे छोटे टॉपिक्स अपने हिसाब से एलैबोरेट करते चले जाएं. और आप ये देखें कितनी अच्छी बुक है ये. यूरोप एक्सप्लोर्स एशिया, एंशिएंट रोम, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये हमने स्टडी किया है अभी, तो इसके बारे में हो सकते हैं मजीद हमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाए. तो ये हमारे पास आ गई है हिस्ट्री की बुक, रेवोल्यूशन एंड एनलाइटमेंट. ये टॉपिक्स देखें, कलरफुल कितनी है बुक हमारी. Everything you need to ace world history in one big fat notebook. Now comes everything you need to ace maths in one big fat notebook. ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है. मुझे बड़ी हैरानी होती है जब मैं मैथ्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बोलती हूँ. मैंने मैथ्स सिर्फ ग्रेड 10 में पढ़ी है हार्डली, और ग्रेड 9 में तो हमारे पास नहीं थी मैथ्स, सिर्फ मैंने ग्रेड 10 में मैथ्स पढ़ी है. उससे पहले ग्रेड 5 तक मैंने कुरान हिफ्ज़ किया है, फिर 3 ईयर्स के गैप के बाद मैंने ग्रेड 9 पढ़ा, तो उसमें मैथ्स नहीं थी, सिर्फ ग्रेड 10 में थी. तो मैंने हार्डली एक साल मैथ्स पढ़ी है. लेकिन मैथ्स मेरी ऐसा सच कोई कभी भी फेवरेट नहीं रही, फिर भी ग्रेड 10 में मेरे आउट ऑफ 198 मार्क्स आए थे. और उसके बाद पूरे 4 साल ग्रेजुएशन के मैंने नहीं पढ़ी मैथ्स. मुझे हैरानी होती है कि मुझे मैथ्स कैसे मेरी फेवरेट हो गई. मुझे मज़ा आने लगा है मैथ्स करने में. और अब तक मैं अपने बच्चों को जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं वो मैंने YouTube से स्टडी कर करके पढ़ाएं, और बहुत मैंने रिसर्च करी, बहुत मतलब डिफरेंट चैनल से मैंने टॉपिक को समझाए, फ्रैक्शन, डेसिमल्स. मेरे मुझे बिल्कुल भी रिटन फॉर्म में चीज़ें मैथ्स की तो समझ ही नहीं आती. मुझे प्रॉपर अपनी एक टीचर चाहिए होता जो मुझे समझाए. तो YouTube इज द बेस्ट सोर्स. सो दिस इज आवर लैंग्वेज आर्ट्स बुक. और इस बुक में मेरे पास सारे टॉपिक्स हैं जो मैं करिकुलम की बुक्स में मैं इस वक्त देख रही हूँ. फ्रेजेज एंड क्लॉजेस, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउंस, इंटेंसिव प्रोनाउंस, वर्बल्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड वर्ब्स, वर्ब्स एंड मूड और लैंग्वेज में फिगरेटिव लैंग्वेज, वर्ड रिलेशनशिप्स, सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट, टाइप्स ऑफ नॉन फिक्शन, तो सारे मेरे पास इसमें टॉपिक्स हैं. और अब ये आप स्टार्ट देखें कितना कलरफुल और वंडरफुल है कि खुद ही पढ़ाने वाले को भी दिल चाहेगा पढ़ाने का और बच्चों को भी दिल चाहेगा पढ़ने का इसको देख के. और सिर्फ इस बुक से हमें ये भी आइडिया मिल सकता है कि बच्चे अपनी नोटबुक पे किस तरह काम करें. और हमें ये सलीका सिखाएगा कि हमें हेडिंग्स किस तरह, होम स्कूलिंग के अंदर हैं तो हमारे पास और बच्चे नहीं हैं जिनका काम देख के हम इंस्पायर हों, हमें अच्छा इंप्रेशन मिले. हमारे पास हम खुद हैं अपनी एग्जांपल, अपनी इंस्पिरेशन हम खुद हैं. तो हमें इस बुक से आइडिया मिलेगा कि किस तरह हमें हाईलाइट करनी है इंपॉर्टेंट चीज़ें,
कलर्स के साथ, अंडरलाइनिंग हमें कौन से कलर से करनी है. तो ये बच्चों के लिए, मेरे कम बच्चों के लिए कम से कम एक नई चीज़ है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा अभी स्कूल को, क्लासरूम एनवायरनमेंट को और दूसरे बच्चों के कामों को अभी तक इतना एक्सप्लोर नहीं करा है. तो मेरे जो बच्चे हैं उनको बहुत था कि वो एंशिएंट रोम को स्टडी करें. बार बार पूछते थे कि मम्मा रोम के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोम को शिकस्त दी थी और किस तरह रूमी जो होते थे वो इतनी पावरफुल अपने टाइम पे सुपर नेशन कहलाई जाती थी और उनकी वजह से दुनिया में एक दहशत थी उनकी, एक स्पेस ट्रैवल. और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में पढ़ने का बहुत शौक है, स्पेस शटल, स्पेस क्राफ्ट, एस्ट्रोनॉट्स. तो हर चीज़ का इंसान को शौक होता है और फिर जब शौक होता है तो हमारे पास फिर उस अपने शौक को पूरा करने की चीज़ें भी होनी चाहिए. किताबें सबसे बेहतरीन दोस्त होती हैं, किताबें पढ़ें, खूब किताबें पढ़ें. फैंसी ये मेरे पास बुक आई है बड़ी ज़बरदस्त, और ये मैंने खास फरमाइश करके अपने हस्बैंड से कहा था कि ऑर्डर करें, मुझे इसके बारे में पढ़ना है. मुझे इंसेक्ट्स की जो लाइफ है ना, बहुत क्लोजली वॉच करने का और ऑब्जर्व करने का क्रेज़ है, मुझे बहुत शौक है और बहुत ही कम लोगों को ये बातें पता होंगी. और मदीना के जो लोग थे हर वक्त परेशान रहते थे रूमियों से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा तंग करते थे और इतने ज़्यादा बार बार वॉर्स और वॉर्स के अटेम्प्ट्स करते थे कि वो मदीना वालों को सुकून से रहने नहीं देते थे. तो ये 100 फैक्ट्स अबाउट एंशिएंट रोम, दिस इज़ नॉट कनेक्टेड टू सम इस्लामिक स्टडीज़, बट हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये किस किस्म की कौम थी. इसमें इनकी तारीफें ही लिखी होंगी मेरा जहाँ तक ख्याल है. लेकिन ये कि अच्छी बुक है, मज़ा आ रहा है देख के, और प्रोजेक्ट कर सकते हैं इससे अगर हम इस शिप के बारे में पढ़ें. शिप दिखाएं, अगर हम शिप के बारे में पढ़ें तो हम इसको क्राफ्ट कर लें, या ये हमारा ये बिल्डिंग हम देख रहे हैं अभी, मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है लेकिन बहुत ही कोई ज़बरदस्त चीज़ लग रही है. ये रोमन्स के फूड हैं, किस किस्म के लोग खाना खाया करते थे, तो ये एक पूरा यूनिट हम बना सकते हैं.